हादसा से राहत की खबर। 23 दिन बाद अंबाला चंडीगढ़ हाईवे खोल दिया गया। रास्ता खुलने से आम जन को बड़ी राहत मिली। किसान आंदोलन के चलते हाईवे बंद कर दिया गया था। आज NH-152 अंबाला हिसार भी खोल दिया गया है। रास्ता बंद होने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। स्थानीय लोग भी कई बार रास्ता खोलने की मांग प्रशासन से कर चुके थे, लेकिन आखिरकार करीब एक महीने बाद ये दोनों नेशनल हाईवे खुल गए हैं। आवाजाही पहले की तरह शुरू हो चुकी है। आम लोगों को काफी राहत मिली है। खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी ये बंद रास्ते सरदर्दी का कारण बन गए थे। किसान आंदोलन के चलते इन दोनों हाईवे को बंद कर दिया गया था। कर्मी अभी यहाँ पर कम नहीं हुए, सुरक्षा कर्मी भी अपनी पूरी मेहनत के साथ और शिद्दत के साथ यहाँ डटे हुए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई किस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेके सुरक्षा कर्मी भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल इस रोड को जो खोला गया, लोगों को काफ़ी इसमें राहत मिल रही है। और लोगों की अगर हम माने तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पेट्रोल पंप बिल्कुल एक कह सकते हैं कि सद्दोपुर बॉर्डर के ऊपर साथ ही था। इसके बिल्कुल सेल खत्म हो गई थी, क्योंकि आने जाने के लिए ये रास्ते बिल्कुल बंद थे, इसलिए यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आता था और गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डलवाता था। कृष्ण बाली, न्यूज 18। महेंद्रगढ़ में कार और बाइक की टक्कर में दो युवकों की जान चली गई। हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गांव आकोदा बस अड्डे के पास ये हादसा हुआ। गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन भीषण सड़क हादसा जिसमें दो युवकों की मौत हुई है। महेंद्रगढ़ में कार और बाइक की टक्कर के चलते ये हादसा हुआ। एक युवक गंभीर हालत में है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव आकोदा बस स्टैंड के पास ये हादसा हुआ जिसमें दो युवकों की मौत की खबर, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती है। गाड़ी चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। टक्कर मार दी जिससे दो की मौत होगी और एक के चोट लगी हुई है जिसका इलाज किया जा रहा है। दोनों मृतक जो है उनका पोस्टमार्टम सकेस्ट्रल भी करवा रहे हैं। उधर किसान आज भड़क गए। दादरी से खबर है जहां नुकसान नहीं होने की रिपोर्ट पर किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। भाड़ड़ा तहसील में किसान पहुंचे, यहां जमकर हंगामा किया, बवाल हुआ। पिछले दिनों बारिश ओलावृष्टि की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन जो रिपोर्ट अधिकारी ने बनाकर दी उसमें भाड़ड़ा तहसील के गांवों को शामिल नहीं किया था। यहाँ के किसानों का आरोप है कि इस रिपोर्ट में उनके नुकसान को नहीं आंका गया। ये रिपोर्ट जो बनाई गई है उसमें काफी गांवों को शामिल ही नहीं किया गया, जबकि उन गांवों में फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। बारिश ओलावृष्टि की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है, करीब करीब पूरी फसल तबाह हो चुकी है। इसके बावजूद अधिकारी ने रिपोर्ट में नुकसान को शामिल नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन ने पहले बैठक की, उसके बाद SDM कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इनका कहना है कि अगर भाड़ड़ा तहसील के गांवों को गिरदावरी में शामिल नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। नया अश्विन साहब को ज्ञापन दिया, जो 2 तारीख को ओलावृष्टि से जो फसल खराब हुई है, जो किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। कुछ तो पहले फंगस के कारण फसल जो सरसम थी वो खराब हो गई थी, और अब ओलावृष्टि ने और बरसात ने खराब कर दी। आज SDM साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम आगे सरकार को भेजेंगे, हम ये आश्वासन दिया। राजस्व विभाग से स्पेशल गिरदावरी करवा के उनको नुकसान, जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए सरकार की तरफ से। और एक हमने ये जो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई महत्वपूर्ण एजेंडे जिन पर इस बैठक में मंथन किया गया, करीब 14 ऐसे एजेंडे जिन पर इस बैठक में मंथन किया गया। बैठक कल होनी थी लेकिन रिशेड्यूल किया गया, आज ये हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में। लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित उदानी फोन लाइन जुड़ गए हैं।
अंकित, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, क्या एजेंडे जिन पर चर्चा हुई, क्या बड़े फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में? बिल्कुल, बैठक हो चुकी है और लगभग 2.5 घंटे कह सकते हैं कि बैठक जो चली है, और मुख्य रूप से जो फैसला है, हिसार में जो राजकीय पशुधन फार्म है उसकी जमीन पर जो बैठे लोग हैं, जो जिनको पहले से वहां बैठे हैं, उनको मालिकाना हक जो दिया गया है तो उसके ऊपर फैसला हुआ है, और गांव ढंडूर जो है, पीरावली है, जारी है, बाबरान है, उनकी 1873 कनाल से जो अधिक जमीन है उस पर रिहायशी प्लॉट का अधिकार भी दिया गया है। तो ऐसे ही कई फैसले थे, ऐसे नूह जिले की जो हसनपुर ग्राम पंचायत है उसमें 19 एकड़ से ज्यादा भूमि जो है वो गोवंश के लिए चारा उगाने के लिए पट्टे पर दिए जाने का फैसला किया गया है, और ये दिल्ली की जो संस्था है उसको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पट्टे पे दी गई है। तो ऐसे कई फैसले थे, महत्वपूर्ण फैसले थे जो एजेंडे के अंदर थे, और इसके अलावा भी जो टेबल एजेंडे आए उन पर भी चर्चा हुई है और चर्चा होकर के उन पर मोहर लगी है। आपको मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव अब किसी भी समय घोषणा हो सकती। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक, और पहले से यह तय था कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़े फैसलों के तहत फायदा पहुंचाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक थी, कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। और इसी के साथ हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज 18 पंजाब हरियाणा।